हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस को सबसे बड़ा पर्व जो है वो माना जाता है और हर वर्ष इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण के साथ जो है वो मनाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। और इस वक्त हम तस्वीरें हम आपको जम्मू में MAM स्टेडियम की दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी के पूरे तरीके से प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। हर साल यहां पर स्वतंत्रता दिवस को देखकर परेड की जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं और लोगों को अंदर जाने के लिए पहले इस सिक्योरिटी यहाँ की गेट के बाहर ही यहाँ पर इस तरह से बैरिकेडिंग की जाती है और यहीं से आपको होकर जो है अंदर ग्राउंड तक पहुंचना होता है। और अभी अगर बात की जाए पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर रख दी गई है और अभी यहाँ पर काम भी किया जा रहा है। जो कारीगर आए हैं वो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें जो है लगा रहे हैं, लोहे के द्वारा इसे बैरिकेड किया जा रहा है और सिक्योरिटी के जो टीमें हैं वो अंदर आप देख सकते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी की सारी टीमें जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम यहाँ पर देख रही है कि किस तरह से कल गाड़ियाँ आएंगी, किन किन लोगों को जो है वो जहाँ से जाने दिया जाएगा और किस तरह से लोगों का प्रबंध जो है अंदर जाने के लिए किया जाएगा, आई कार्ड चेक किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन क्योंकि लोगों की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। और कल यहाँ पर जो है पूरे तरीके से ट्रैफिक जो है उसे भी हॉल्ट पर रखा जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। किसी भी गाड़ी को कल जब तक यहाँ पर पूरा कार्यक्रम कंप्लीट नहीं हो जाता है यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। ये स्वतंत्र दिवस जो है ये 77वां मनाया जा रहा है इस साल और जो थीम रखी गई है सरकार की तरफ से इस साल की वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और यहाँ पर अगर देखा जाए कश्मीर में भी इसी तरीके से इंतजाम जो है वो किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर लाल चौक घंटाघर जो है वो पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है, वहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन जो है लगाई गई है इंडिपेंडेंस डे देखते हुए, वहाँ पर ध्वजारोहण भी कर दिया गया है और कल खासा वहाँ पर भी जो है इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि सिक्योरिटी का पूरे तरीके से इंतज़ाम देखा जा रहा है। यहाँ भी देखिएगा ये सिक्योरिटी की टीमें हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त देख रही है, बाहर जो है यहाँ पर भी टीमें सिक्योरिटी की लगाई गई हैं, यहाँ SOG की गाड़ी भी आप देख सकते हैं, CRPF और ITBP की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर है, बाकी जो सिक्योरिटी की टीमें हैं वो यहाँ पर हैं, इंटेलिजेंस की टीमें जो हैं वो भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, पहले से इस चीज़ का इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल देखिएगा यहाँ पर निशान भी लगा दिए गए हैं कि किस तरह के यहाँ पर जो बाहर से लोगों को अंदर ले जाया जाएगा, पहले वहीं पर सिक्योरिटी जो है तैनात रहेगी, उनके द्वारा उनके आईडी कार्ड जो है वो चेक किए जाएंगे, उनकी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद वहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर भी चेकिंग वगैरह की जाएगी, उसके बाद ही उन लोगों को आम जनता को अंदर जाने दिया जाएगा। और जो फंक्शन है वो लगातार यहाँ पर उसकी रिहर्सल जो है वो चल रही है, जिस तरह से पुलिस की टीमें भी अंदर रिहर्सल कर रही है, बाकी अगर सिक्योरिटी की टीमें देखे जाए तो वो भी अंदर उनकी भी रिहर्सल चल रही है, बाकी जो कार्यक्रम रहता है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो लोगों को दिखाया जाएगा उसका भी पूरा जो है लगातार उस पर भी रिहर्सल की जा रही है जो कल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि गर्व है सबसे बड़ा पर्व अगर हमारे देश में जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर एक भारतवासी यानी कि जात पात से दूर होकर रिलीजन से दूर होकर जहाँ पर सब एक होते दिखाई देते हैं वो है 15 अगस्त। और 77वां इस बार इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। अभी फिलहाल देखा जाए तो एक थीम ये चल रही है कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दूसरी जो अगर बात की जाए तो यहाँ जिस तरह से वहाँ बैनर लगा हुआ है मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, हर जगह पर जम्मू में भी बात की जाए कश्मीर में भी बात की जाए तो मेरी मिट्टी मेरा देश के नाम से जो है वो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तिरंगा रैली निकाली जा रही है, ध्वज जो है तिरंगा जो है वो लोगों में बांटा जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारे देश के वीर जवान हैं जो देश की सुरक्षा में अपने आप को जिन्होंने बलिदान कर दिया है वो लोग और साथ साथ वो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के दौरान जो है अपना सर्वस्व जो है वो बलिदान कर दिया, अपने आप को देश पर सर्वस्व जो है वो न्योछावर कर दिया, उन लोगों की याद में जो है ये मेरी मिट्टी मेरा देश कॉन्सेप्ट रखा गया है। और हर कल पुलिस की टीम द्वारा भी किया गया, आज CRPF की टीम जो है वो भी इस तरह से अपनी ओर से ये जो आयोजन है उनकी तरफ से किया जा रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी ऐसा कर रही है, आम जनता तक जो है उनके द्वारा भी तिरंगा रैली निकाली जा रही है। यानी कि अब जिस तरह से देखा जा रहा है सिक्योरिटी पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर रखी गई है और ख़ासा इंतज़ाम उन जगहों पर ज़्यादा किया जा रहा है जहाँ पर जो डिग्निटरीज लोग आएंगे, जहाँ पर पूरे तरीके से इंतज़ाम किया गया है परेड होने का, जहाँ पर लोगों का ज़्यादा जमावड़ा रहेगा उन जगहों पर जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर जो है वो रखी गई है। फिलहाल यहाँ हम जम्मू MAM स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ाम जो है वो पहले से ही पुख्ता किए जा रहे हैं। अब एंड वक्त पर ये देखा जा रहा है कि क्या कुछ कमियाँ रह गई हैं उसे भी पूरे तरीके से जो है वो दुरुस्त कर दिया जाए।
कल मैं फिर से बता दूं, ट्रैफिक एडवाइजरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कल कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ से जाने नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक एडवाइजरी द्वारा जो है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है, एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी गाड़ियाँ सतवारी से आएंगी उन्हें एशिया के पास रोक दिया जाएगा और टर्न कर दिया जाएगा उन्हें टूवर्ड्स फोर्थ ब्रिज, जो भगवती नगर की तरफ है, वहाँ उन्हें वहाँ की तरफ टर्न कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने भी यहाँ पर आना है 15 अगस्त को देखते हुए, जिन्होंने भी इस परेड को देखने आना है, उनको आने दिया जाएगा, लेकिन वो गाड़ी नहीं, उन्हें पैदल आना होगा। वो लोग यहाँ पर पैदल आएंगे, यहाँ तक आने दिया जाएगा। और वहीं यहाँ से जिनको उस तरफ जाना है या हॉस्पिटल जाना है या फिर कोई और एमरजेंसी उन्हें बाहर जाना है, तो यहाँ से उन्हें नहीं दिया जाएगा, उन्हें सेम फोर्थ ब्रिज से जाना होगा। और दूसरी तरफ ये इंतज़ाम रखा जा रहा है कि वहाँ जो गुज्जर नगर ब्रिज है वहाँ पर भी इंतज़ाम रखे गए हैं कि वहाँ से भी जाने दिया जा सकता है, लेकिन उस पर अभी पूरी तरीके से जो है बातचीत चल रही है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये ब्रिज जो है इसे पूरे तरीके से बंद रखा जाएगा। अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे तरीके से गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन कल ऐसा कुछ भी आपको तब तक दिखाई नहीं देगा। आज रात को ही पूरे तरीके से ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो वायरिंग है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कटीली तारें आप देख रहे होंगे, ये पूरे तरीके से हर जगह पर लगा दी जाएगी और किसी भी गाड़ी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। किसी को जाना है तो वो पैदल जाएगा, गाड़ी किसी की भी आगे नहीं जाने दी जाएगी। तो ये सीधे तौर हम आपको एमएम स्टेडियम से दिखा रहे थे और यहीं पर कल 15 अगस्त सेलिब्रेशन जो है वो किया जाएगा। हालांकि हर गली मोहल्ले चौक में जो है, जो मोहल्ले के लोग रहते हैं या जो वहाँ के लोग हैं उनकी तरफ से ध्वजारोहण जो है वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो सांस्कृतिक और साथ ही साथ देशभक्ति का जज्बा जगाने वाली चीज़ें जो हैं वो भी अंदर की जाएंगी। और यहाँ देखिएगा, टीमें लगातार बाहर आ रही हैं, लगातार टीमें जो हैं वो सुरक्षा का जायज़ा ले रही हैं। आसपास जो है वो हर चीज़ जो है पैनी नज़र से देखी जा रही है, कहीं कोई कुछ भी जो है अगर इन्हें ऐसा दिखता है तो उस पर जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से इंतज़ाम जो है यही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।